नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आप सभी का बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी लगन के साथ, मेहनत के साथ और जम कर कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का दौर शुरू हो चुका है। जेपीएससी ने अब जो है पीटी के बाद मेंस की घोषणा कर दी है, जल्दी मेंस की एग्ज़ाम होगी। उसके साथ एसएससी ग्रुप डी की, रेलवे की सभी की एग्ज़ाम होने वाली है। तो ज़रूर इसको वीडियो को देखिए और अपना तैयारी प्रिपरेशन को एक सही दिशा दीजिए। चलिए मैं बता दूं क्या स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के बारे में, कि ये एक्चुअली है ये क्या। तो सिंपल सी बात है, हेल्थ इंश्योरेंस हम लोग क्यों लेते हैं? अपने स्वास्थ्य को देखभाल करने के लिए। यदि सपोज डेट आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो आपकी कोई तरह की बीमारी निकलती है तो आप उसको रिकवर कर सकते हो हेल्थ इंश्योरेंस से। मैं बता दूँ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें 5 लाख रुपए तक की लोगों को मुफ्त ट्रीटमेंट जो है दी जाती है उस कार्ड से, तो काफ़ी बड़ी पहल जो है भारत सरकार ने की है ये पहल। और बता दूँ कि एक्चुअली ये पोर्ट होता क्या था। आप लोगों ने सुना हो कि मोबाइल नंबर हम लोग पोर्ट करते हैं कंपनियों का, यानी एक कंपनी से दूसरे कंपनी में मोबाइल सिम को ट्रांसफ़र करते हैं, उसी तरह से सेम आप इसमें भी जो है पोर्ट करने में एक कंपनी से दूसरी कंपनी की ओर रुख करते हैं। तो चलिए इस जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दी, लाइक कर दी, शेयर कर दी, नहीं हो तो बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि और कैसे नोटिफिकेशन मिल सके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बता दूँ कि आज के इस दौर में कई कंपनी ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पेश की है। हर किसी ने अपने पॉलिसी को आकर्षक बनाने के लिए कई तरह के लाभ और सुविधाओं को पॉलिसी में जोड़ दिया है। इसके साथ ही बीमा नियामक इडर ने 2011 में लोगों को सुविधा के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी की सुविधा दी है, यानी कोई व्यक्ति किसी भी एक बीमा कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी के लाभ और कवरेज के साथ सपोर्ट कर सकता है। यानी नई बीमा कंपनी को 45 दिन पहले आवेदन के साथ पिछली पॉलिसियों की प्रतियों को जो है सहित कुल विवरण जमा करने होंगे। पिछले साल पॉलिसी में किए गए सभी दावों, अपने स्वास्थ्य स्थिति में बदलाव के बारे में नए जम बीमाकर्ता को बताना जरूरी है। नए बीमाकर्ता द्वारा दी जाने वाली पॉलिसियों में बीमा राशि, संचयी बोनस और पोर्टेबिलिटी लाभ की जांच करनी चाहिए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं। पोर्ट करने की प्रक्रिया, लाभ की बात की जाए तो इन बातों पर जरूर गौर करें। तो सबसे पहले यह जरूर जांच कर ले कि क्या आपको कोई नई पॉलिसी जारी की गई है या उसमें पोर्टेबिलिटी के सारे विवरण उपलब्ध हैं कि नहीं। दूसरी बात की जाती है, इससे में ध्यान दें कि पहले से मौजूदा बीमारियों के लिए कवरेज जो है पहले से दिन से कवर किया जा रहा है या नहीं। यदि कोई जांच की है या संचय व्यवस्था या व्यवसाय के लाभ आपको नई प्रोटेंट पॉलिसी में दिया जा रहा है या नहीं। आमतौर पर बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती होने की मोहलत 30 दिन की होती है, लेकिन जब पहले से मौजूद बीमारियों की बात आती है तो यह स्वास्थ्य अवधि पॉलिसी जो है 3 से 4 साल हो जाती है। वहीं पहले से तय की गई बीमारियों जैसे मोतियाबिंद हर्निया, पाइल्स जैसे परिभाषित बीमारियों के लिए यह अवधि 2 साल की होती है। अगर हेल्थ पॉलिसी पोर्ट नहीं किया गया तो अन्य कंपनी के साथ नवीनीकृत होने पर भी जो है स्थगन लागू होते हैं। तो एक बहुत बड़ा पहल जो है की गई है। तो बिल्कुल जिस कंपनी का सर्विस आपको पसंद नहीं है या हेल्थ इंश्योरेंस, तो उसे जो है चेंज करा सकते हैं। तो काफ़ी एक अच्छा जो है सुलभ लोगों के लिए मिला है अगले समय के लिए। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर रुख करते हैं। तो बता दूं कि ग्रुप मेडिकल मेडिक्लेम पोर्टेबिलिटी की बात की जाए तो आमतौर पर ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी को लाभ के साथ व्यक्तिगत पॉलिसी के रूप में पोर्ट नहीं किया जा सकता है। कुछ बीमार कर्ता अपने को बैंक से लंबी लगी ली गई पॉलिसियों को अलग अलग पॉलिसियों में पोर्ट करने की अनुमति देते हैं, लेकिन अगर आप बैंक के ग्राहक के लिए जारी ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी का हिस्सा हैं तो आप इसे लाभ के साथ पोर्ट नहीं कर सकते। यानी किसी भी तरह का ग्रुप में मेडिकल क्लेम की पॉलिसी किसी दो कंपनी दूसरी कंपनी में व्यक्तिगत पॉलिसी के साथ पोर्ट नहीं होगी। ऐसे में कोई कंपनी आपको एक नई पॉलिसी जारी करेगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, तो आप ज़रूर इसको देखिए कि किस तरह से मेडिकल में जो है हेल्थ सेक्टर में जो है किस तरह से पोर्ट की जाती है। तो मैंने तो नहीं देख पाया, लेकिन आप ज़रूर देखिए और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ हर तरह की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि पोर्ट करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है। उससे पहले बता दूँ कि पोर्ट पॉलिसी के साथ साथ क्या होता है पोर्ट। जब आप अन्य स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की को एक बीमा कंपनी से दूसरी बीमा कंपनी में पोस्ट करते हैं तो आपको वह सभी लाभ जो पुरानी कंपनी से मिलता है उसे वंचित नहीं होना पड़ता है। जैसे पुरानी पॉलिसी में समय सीमा
वाले प्रावधान नई पॉलिसी खरीदने के बाद 30 दिन का वेटिंग पीरियड, पुरानी बीमारियों के लिए प्रतीक्षा अवधि और किसी खास बीमारी के लिए वेटिंग टाइम से संबंधित सभी नई पॉलिसी में पोर्ट होते हैं। पुरानी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का नो क्लेम बोनस भी आपकी नई बीमा पॉलिसी में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि बीमा पॉलिसी के साथ क्या क्या होता है पोर्ट, तो आप लोगों ने सुना जाना कि 30 दिन का वेटिंग पीरियड पुरानी बीमारियों के लिए जो प्रतीक्षा होता है, उसके बाद जो है इसको पोर्ट की जा सकती है। तो ये थी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ, आई होप लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। पोर्ट करने की जो पॉलिसी है, प्रक्रिया है, उसको भी मैंने बता दिया कि 45 दिन पहले। तो 3 प्रक्रिया के तहत जो है आप पोर्ट कर सकते हो, इसका लाभ ले सकते हो। तो बहुत ही अच्छी जानकारी मैंने देने की कोशिश की आई होप। और बता दूँ कि निवेश पर लगने वाला टैक्स के नियम जो है आपको नेक्स्ट वीडियो के मैं आपको बताने वाला हूँ, तो जरूर देखिएगा वीडियो को, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है किस तरह से जो है मानव जाति को नुकसान हुआ है उससे जुड़ी हुई। और उससे बता दूँ कि टैक्स में मानव जाति का जो नुकसान होता है उसे कैसे बचा जा सकता है, इक्विटी शेयर में या और